नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। मुंडा भूमि घोटाला मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दे दी है। जानकारी के अनुसार मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन मामले में एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम ने सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल से आग्रह किया था। राज्यपाल ने आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दायर शिकायत के आधार पर यह मंजूरी दे दी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूखंड आवंटन घोटाले के संबंध में राज्यपाल द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद शनिवार को इस्तीफा देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। सिद्धारमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले को संविधान विरोधी और कानून के खिलाफ बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर अदालत में वे कानूनी रूप से इसका सामना करेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सिद्धारमैया ने संवाददाताओं से कहा, यह निर्वाचित सरकार को हटाने की एक बड़ी साजिश है। उन्होंने दिल्ली, झारखंड समेत कई राज्यों में ऐसा किया है। कर्नाटक में भी निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची है। केंद्रीय सरकार भाजपा, जेडीएस और अन्य साजिश में शामिल है। उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षा भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी ने कहा, यह भाजपा साजिश का करारा जवाब है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार की साजिशों को करारा जवाब है। यह 5 वर्षों से सर्दी गर्मी बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष कर रहे अमित मौर्य जैसे हजारों युवकों की ही नहीं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा की जीत है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सभी चयन सूचियों को रद्द कर नई चयन सूची बनाकर आरक्षण नियमावली 1994 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति किए जाने का आदेश दिया है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा है कि भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी है। दलित और पिछड़ों के हक के खिलाफ सिर्फ जवानी जमा खर्च करने वाली भाजपा सरकार हर कदम पर उनके साथ छल करती है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार दलित और पिछड़ों को उनके जायज हक से महरूम रखने का हर संभव प्रयास करती है। यूपी शिक्षक भर्ती मामले को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, 69,000 शिक्षा भर्ती की आखिरकार भाजपाई घपले घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई है। यही हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने जिससे पारदर्शिता और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सके और प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम यह सूची पर लगातार निगाहें रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी ना हो ये सुनिश्चित करने के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों के साथ निभाएंगे। यह अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बूच ने अपने 7 साल के कार्यकाल के दौरान एक कंसल्टेंसी फर्म से आमदनी अर्जित करना जारी रखा जो सेबी अधिकारियों के लिए नियमों का उल्लंघन है। यह जानकारी रायट्स की एक रिपोर्ट में दी गई है। रायट्स ने इस मामले से जुड़े दस्तावेजों को देखा है। हिंडनबर्ग ने भी हाल ही में सेबी प्रमुख पर अडानी समूह को लेकर हितों के टकराव के आरोप लगाए थे। रायट्स की रिपोर्ट उससे अलग है। पहलवान विनेश फोगाट का शनिवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। विनेश के राजधानी में उतरने पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। भारतीय पहलवान को पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फाइनल में वजन सीमा 100 ग्राम से अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विनेश के स्वागत की अभी शुरुआत हुई है। उनके भाई हरविंदर फोगाट ने एक्स पर लिखा, हमारे गाँव में भी लोग उनके स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। लोग विनेश से मिलने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए उत्साहित हैं। हरविंदर फोगाट ने कहा कि हरियाणा के बलाली स्थित उनके पैतृक गांव में भी विनेश का भव्य स्वागत किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक में मेडल से चूकने वाली विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पोस्ट कर अपना दर्द बयां किया है। भारतीय पहलवान ने 3 पेज का लेटर शेयर कर अपनी बात रखी है। विनेश फोगाट ने कहा कि पेरिस ओलंपिक के बाद अगर ऐसे हालात नहीं बनते तो मैं रेसलिंग को अलविदा नहीं कहती बल्कि 2032 तक रेसलिंग करती रहती।
लेकिन पेरिस ओलंपिक के बाद जिस तरह के हालात बने उसके बाद रेसलिंग को अलविदा कहना पड़ा। विनेश फोगाट ने आगे लिखा है कि हो सकता है अलग अलग परिस्थितियों में खुद को 2032 तक खेलते हुए देख सकूं, क्योंकि मेरे अंदर लड़ाई और कुश्ती हमेशा रहेगी। CBI ने RG कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी बीच पीड़ित के माता पिता ने अस्पताल के ही कुछ कर्मचारियों पर इस मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है। पीड़ित के माता पिता ने बताया कि इस मामले में उसी कॉलेज के कुछ इंटर्न और चिकित्सक शामिल हैं। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। CBI के अधिकारी ने कहा, हमारा ध्यान कम से कम अभी 30 नामों पर केंद्रित है जिन्हें हम पूछताछ के लिए बुलाएंगे। CBI ने इस मामले में अस्पताल के उस कर्मी और 2 PGT को तलब किया था जो उस रात डॉक्टर के साथ ड्यूटी पर थे। राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार को एक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र द्वारा स्कूल के छात्र पर चाकू घोंपने के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। घटना के बाद बीच सड़क पर कारों में आग लगा दी गई और पथराव किया गया। हालात को देखते हुए उदयपुर समेत आसपास के इलाकों में इंटरनेट आज रात 10 बजे के लेकर 24 घंटे के लिए बंद किया गया है। पुलिस के अनुसार भटियानी चौहट्टा स्थित सरकारी स्कूल में चाकू घोंपने की घटना के पीछे क्या कारण था इसका तत्काल पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित को जिला अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत स्थिर है। राजस्थान के शहर उदयपुर में शुक्रवार को 2 बच्चों के बीच झड़प के बाद शहर में तनाव का मामला है। इस मामले में खबर यह है कि उदयपुर में चाकूबाजी की घटना में शामिल अयान शेख और उसके पिता सलीम शेख की दीवान शाह अली कॉलोनी में स्थित मकान पर नगर निगम के दस्ते पहुंच गए। बताया जा रहा है कि आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। अयान शेख की सोशल मीडिया पर चैट भी सामने आई है। अयान शेख चैट में वो दूसरे दोस्त के साथ मिलकर हमला करने और जान से मारने की बात कह रहा है। बताया जा रहा है कि ये चैट हमले से 3 दिन पहले की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। बनारस से अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस के 22 डब्बे कानपुर भरतपुर रेल खंड के पटरी से उतर गए। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह घटना तब हुई जब ट्रेन कानपुर से झांसी के लिए रवाना हुई थी। सूचना पर रेलवे के जवान मौके पर पहुंच गए और राहत और बचाव कार्य में जुट गए। घटना के बाद कई गाड़ियों के रूट बदल दिए गए हैं। रेल प्रशासन ने इमरजेंसी नंबर के साथ साथ ट्रेनों के रूट की भी जानकारी दी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए satyahindi.com पर।